मैं भान साहू छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के जादूटोला गांव में हूँ। आदिवासी के विकास के लिए सरकार के द्वारा आदिवासी छात्रावास करीब 50 साल से चलाया जा रहा है और छात्रावास चलाने का मुख्य कारण था कि आदिवासी बच्चे पढ़ नहीं पाते थे गरीबी के कारण। लेकिन आज भी यही परिस्थिति है कि आदिवासी छात्रावास में न ही सही बिस्तर है, न ही सही पानी का व्यवस्था है और न ही सही टॉयलेट की व्यवस्था है और अभी कुल 70 बच्चे वहाँ पे रहते हैं। आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास जाडुटोला में ऐसी बहुत सी समस्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुए हैं। पिछले साल का भी पैसा हम लोग का लास्ट माह का मिला नहीं मार्च का, और यहाँ भी बाथरूम वाथरूम भी बंद है, बहुत दिनों से बंद है। हम लोग को बहुत परेशानी होती है यहाँ बाथरूम से जाने के लिए। यहाँ एक साल हो चुका है और यहाँ खाने की समस्या है, इसलिए हम आलू बड़ी खाते हैं, हरा सब्जी मिलने में परेशानी होती है और हमारे टॉयलेट दो है, लेकिन हम लोगों को 70 बच्चे हैं इसलिए बाहर जाने की मुश्किल होता है, हमारा समय बर्बाद होता है और हम पढ़ाई कर नहीं पाते। और एक हैंडपम्प है, हैंडपम्प भी एक है, इसलिए नहाने की तकलीफ होते है। बाकी बच्चे बाहर जाते हैं तालाब में नहाने के लिए जाते हैं, ओढ़ने का साधन है ना, कुछ कंबल वम्बल कुछ नहीं है। यहाँ घर पूरा सामान घर से लाना पड़ता है हमें, और एक हाट में हम लोग दो तीन जने सोते हैं, इसलिए सोने के लिए परेशानी होती है। अभी जैसे कमियाँ आप लोगों ने बताई है कि वहाँ टॉयलेट रूम में की असुविधा है, तो कुछ ही दिन पहले हमको जो पता चले थे कि बच्चों से मैं रूबरू हुआ तो उसने किसी प्रकार की कमियाँ नहीं बताई, आज की स्थिति में है तो वर्तमान में हमने जा करके क्या कमी है उसको अपने स्तर पर हम निपटारा करने के भरपूर प्रयास करेंगे। मैं जादूटोला छात्रावास में गई और वहाँ बच्चों से बातचीत की, उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल है और अधीक्षक है वो अपनी इंटरव्यू देने के लिए इनकार कर दी। जैसे आदिवासी बच्चे अपने घर से बाहर रहते हैं और छात्रावास में रुक कर के पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह मेरे भी दो बच्चे हैं, वो लोग भी बाहर स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब मेरे बच्चे बाहर में रहते हैं पढ़ाई करते हैं और उन माँ बाप के बीच में क्या गुजर रहा होगा। देखने वाले श्रोताओं से भी मैं अपील करती हूँ कि ये जो राजनांदगांव में एसी साहब बैठते हैं उनसे फ़ोन से या डायरेक्ट संपर्क करके इन समस्याओं पर अपना भी बात रख सकें। मैं भान साहू छत्तीसगढ़ इंडिया अनहट के लिए।